नमस्कार साथियों उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं खेवेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी तो एसएससी एस जेई जी हां दोस्तों एसएससी एस जेई के लिए आप टारगेट करके बैठे हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो एक कुछ हद तक एक मोटिवेशन आपको दे सकता है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एसएससी जेई कि एसएससी जेई में सेलेक्ट होने के बाद आपका क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है तो यहाँ पे जो मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा वो CPWD CPWD डिपार्टमेंट के बारे में करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आपकी एस एस में CPWD डिपार्टमेंट की ही रहती है तो आइए बात करते हैं कितनी हो सकती है आपकी सैलरी किस इस वीडियो के अंदर तो देखो यार ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के लेके आया हूँ और काफी हद तक हमने बहुत डिटेल एनालिसिस इसके अंदर किया है सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने के लिए वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो कि आप कुछ हद तक मोटिवेटेड रहे कि यार हाँ यार ये चीज मैं भी अचीव कर सकता हूं तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन करी है एक्स सिटीज वाई सिटीज और जेड सिटीज की तो एक्स सिटीज वो होती है जो कि बड़ी सिटीज होती है वो, वो भी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी सिटीज़ है वाई के अंदर कौन सी सिटीज आती है और जेड के अंदर कौन सिटी आती है तो एस एस सी जेई में सेलेक्ट होने के बाद आपके जितने भी जेई होते हैं चाहे आप एम ई एस डिपार्टमेंट मिले या डिपार्टमेंट मिले तो आपको लेवल सिक्स के हिसाब से सेवंथ पे कमीशन लेवल 6 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है ग्रेड पे आपका बयालीसौ ग्रेड पे होता है तो फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी टू हंड्रेड ग्रेड पे आपका होता है बेसिक पे बेसिक पे मतलब जिसके आधार पे आपको सारा का सारा पैसा मिलने वाला है वो होता है थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड का सभी सिटीज में सेम रहता है

द बेसिक अमाउंट होता है कितना 46 ऑफ द बेसिक अमाउंट तो इसी बेसिक अमाउंट को 46 निकाल के हमने यहां पे लिख लिया सिमिलरली यहां पर भी हमने चीजें लिख ली है कि यहां पे तो सेम ही आएगा ना बिल्कुल ठीक है उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल अलाउंस तो ट्रेवल अलाउंस जो होता है ये हर एक सिटी वाइज आपका अलग अलग होता है जैसे जो एक्स सिटीज होती है 3600 है वाई सिटीज में 1800 और यहां पर जेड सिटीज में आपका 900 है

लगाती है और वही पैसा वापस निकाल भी लेती है वो मैं बताऊंगा कैसे वही पैसा वापस निकाल भी लेती है और लास्ट में जब आप रिटायर होंगे उसके आसपास आपको वो मिलेगा पैसा आपको तो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 5, 1, 6, सर ये ये कहां से आया, ये आया देखो बेसिक प्लस आपका जो डीए है उसका दस परसेंटेज बेसिक प्लस डीए का दस परसेंटेज होता है आपका एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन तो सर ये आपका एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आपकी यहां पर बनके आ चुकी है जितनी भी एक्स सिटीज़ है मेरे पास पे जी जो है, वो, कितने होता है? तो वो सारा डिडक्शन हो गया तो नेट सैलरी इन हैंड सैलरी कितनी हो गई जो कि आप देख पा रहे यहां पर आपकी टोटल सैलरी हुई है सर सिटीज का सिटीज का लॉजिक क्लियर कर दीजिए सर एक्स सिटीज अहमदाबाद बेंगलुरु चेन्नई दिल्ली हैदराबाद कोलकाता मुंबई पुणे ये एक्स सिटीज कहलाती है बाकी जितनी भी सिटीज आप देख रहे हैं वो वाई सिटीज है और इनके अलावा अगर कोई सिटी है तो वो आपकी जेड सिटी की कैटेगरी के अंदर आती है तो मेरी तरफ से आई थिंक इस वीडियो में इतना ही और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार आप लोग मोटिवेटेड रहे कि जी हाँ, इतनी सैलरी मैं भी अचीव कर सकता हूँ इतना जॉब सेटिस्फैक्शन मुझे भी मिल सकता है और अगर आप अपने जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उत्कर्ष आप लोगों के लिए ले लेकर आया है क्या रिपब्लिक डे ऑफर जिसमें सभी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे नाइन्टी तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं और सभी के सभी बैचेस आपको यहाँ पे बहुत कम दाम पे मिल रहे हैं एस एस जेई ट्वेंटी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपका जो ट्वेंटी ऑफ नवंबर से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर uh, लाइव है अभी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए उसकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र एटीन हंड्रेड में जिसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है uh, 650 फिफ्टी आवर्स ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्सेज अवेलेबल है पैनल पीडीएफ डीपीपी प्रैक्टिस शीट ये सब फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं उसी के साथ साथ अगर हम बात करें एमसीक्यू बैच एस एस जेई का एमसीक्यू बैच इज आल्सो अवेलेबल जो कि ओनली फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो ये एसएससी के द्वारा एसएससी हाँ, के द्वारा जितनी सैलरी मिल सकती थी उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी और थोड़ा सा मोटिवेशन आपको जरूर आया होगा मिलता हुआ आपसे अगले किसी खास वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद